Welcome to SN Classes YouTube channel, Lecture 2 Chemical Kinetics. Hello students, good morning. आज मैं Chemical Kinetics का Lecture 2 बताने जा रहा हूँ. और Lecture 1 में आपने Introduction Chemical Kinetics का देखा था, उसमें Rate of Reaction के बारे में Introduce किया था. अब देखिए, जो Chemical Kinetics का Rate of Reaction के बारे में Introduction किया था, अब उसके आगे इसमें बता रहा हूँ. आज हम लोग को बताना है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, केमिकल काइनेटिक्स. एंड केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 इधर होगा, लेक्चर 2. इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. अब इसी के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है? तो कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले पिछले क्लास का थोड़ा रिकैप करवा दे रहा हूं, जिससे क्या होगा कि हमको आगे लिंक करने में आसान होगा और आपको समझने में भी आसानी होगी. चलिए आगे देखिए, समझिए. जैसे मान लीजिए आप कंसीडर करते हैं, पिछले क्लास में बताया था ना कि आप रिएक्शन लिखते हो, उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ए रिएक्टेंट हो गया और बी क्या हो गया, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. आपका पिछले लेक्चर का ये रिकैप बता दे रहा हूँ कि आप देखिए क्या हम बता रहा. मान लीजिए रिएक्शन है ए एंड बी, ए इसमें रिएक्टेंट, बी प्रोडक्ट हो गया. और आपको ये भी बताया था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा. जिस रेट से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, उसी रेट से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. नहीं तो देखिए, इसको लिखने का तरीका कैसे बताया था आपको. आप जैसे हमको लिखना ए का, ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, ए का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करेगा एंड बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप दो तरीके से लिख सकते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन को एक ए के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को बी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं. तो देखिए मैं आर वा रेट ऑफ रिएक्शन. अब रेट ऑफ रिएक्शन है ना विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में आप कैसे लिखेंगे? तो ए के रिस्पेक्ट में अगर हमको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहां पर देखिए क्या लिखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए by delta t, change in concentration of A with respect to time, ये हो गया. ये जो rate of reaction A के respect में लिखा, ये reactant जिसका concentration decrease करेगा, तो इसके आगे sign क्या लगाएगा, minus, है ना? तो इसको आप language में क्या पढ़ सकते हैं ये बताइए. इसको जो language में पढ़ेगा ये क्या हो गया, change in concentration of A with respect to time t, with respect to time t, लिख सकते हैं. या इसी को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, नेगेटिव साइन क्या बताता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिक्रीज कर, इसको आप लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ disappearance of A, है ना? Rate of disappearance of A, ये दोनों लिख सकता हूँ. Rate of reaction A के respect में इसको क्या कहिएगा? तो change in concentration of A with respect to time t, या change की जगह पर हम क्या ले सकता हूँ, decrease in concentration of A with respect to time t, ये भी ले सकता हूँ. A का concentration घट रहा है ना, तो decrease in concentration of A with respect to time, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? उसी तरह से बी के रिस्पेक्ट में आर वार रेट ऑफ रिएक्शन. अब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा था, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपने लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में. तो बताइए प्रोडक्ट भी है, तो क्या लिखे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय
डेल्टा टी, इसको आप लैंग्वेज में क्या पढ़ेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए पढ़ने का तरीका समझ गया आपने, ये क्या लिखा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, मतलब ये जो आप ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया ना, ये कंसंट्रेशन होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये प्रोडक्ट है ये बढ़ेगा इसके आगे क्या होगा पॉजिटिव, ये रिएक्टेंट है ये घटेगा इसके आगे क्या होगा नेगेटिव हो गया, तो इसको क्या लिख सकते आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये पॉजिटिव प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। मैं समझ कर इतना समझ गया आपने कैसे लिखाया था इस पर लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए अब आगे मैं बताता हूं फिर इसमें रिएक्शन को आप कैसे यूज करेंगे। अब देखिए किसी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालेंगे, तो उसका पहले डायरेक्ट हम कंक्लूजन बता देता हूं कि आप कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन क्या करेंगे अभी, हाउ टू राइट डायरेक्ट में कंक्लूजन लिख दे रहा हूं पहले, हाउ टू राइट तब ये प्रूफ करेंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है, हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिखेगा इसके बारे में, हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिखेगा, तो यहां पर एग्जांपल लेता हूं, कंसीडर कंसीडर ऑन एन एग्जांपल और एग्जाम्पल में आप इस तरह से लिया रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए बी सी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करो और ये डी। देखिए इस केमिकल रिएक्शन में ये कॉफिशियंट को बता रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, किसको बता रहा है ये कॉफिशियंट को बता रहा है कि इसमें रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए का कितना मोल यूज किया हुआ है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए क्या हुआ कोफिशिएंट ऑफ ए, स्मॉल बी कोफिशिएंट ऑफ बी, ये कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसको अगर रेट के रूप में लिखना रहेगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो रिएक्टेंट है, तो देखिए कैसे लिखेगा, ये जो कोफिशिएंट रहता है ना इस कोफिशिएंट को आप डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड में लिखेंगे है ना, यहां पर देखिए ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और इसमें कितना मोल है ए, तो जितना कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दीजिए 1 बाय ए, तो ये 1 बाय ए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू, फिर आइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, यहां कितना मोल है स्मॉल बी, तो 1 बाय बी, जितना मोल रहेगा उसे डिवाइड कर दीजिए, ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है। आगे प्रूफ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में ही प्रूफ कर देंगे फिर कि हम ये क्यों है इससे हम डिवाइड कर रहा हूं, जो कोफिशिएंट रहता है उसे क्यों डिवाइड कर रहा हूं, आगे क्लियर हो जाएगा। अभी इसका डायरेक्ट कंक्लूजन बता दे रहा हूं, फिर आप देखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, कोफिशिएंट सी है स्मॉल सी, इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, कोफिशिएंट स्मॉल डी है 1 बाय डी। देखिए यही हो गया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है किस रिएक्शन के लिए, तो इस रिएक्शन को देखिए पढ़ते लैंग्वेज में जो भी सीखा है इसी के बेसिस पे, देखिए यहां पर क्या हो गया 1 बाई ए
rate of disappearance of A, 1 by B rate of disappearance of B, 1 by C rate of appearance of C, 1 by D rate of appearance of D. तो ये रिएक्शन लिखने का तरीका हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। यही लास्ट में ही प्रूफ करेंगे कैसे ये लिखा गया। तो अब एक एग्जांपल पर लेते हैं। अब इसी में देखिए हमारे रिएक्शन लिखते हैं N2 3H2 2NH3। अब इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इस रिएक्शन को देखिए कैसे लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एंड अमोनिया के रिस्पेक्ट में, तीनों के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। और तीनों के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू सेम ही आएगा। तो देखिए यहां पर कैसे लिखने का है, आप कैसे लिखेंगे इसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन यही हुआ डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और नेगेटिव का मतलब रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है कंसेंट्रेशन। इसी को पढ़ने के लिए बताया था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, उसी तरह से कोफिशिएंट का 3 है, रिएक्टेंट है 1/3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ appearance of ammonia, यही तो गया देखिए, जो ऊपर बता रहे थे वह लिखने का तरीका यहाँ पर हो गया, क्लियर हो गया ये। हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि हम ये क्यों डिवाइड करते हैं। अब यहाँ देखिए आपको न्यूमेरिकल इस पर मिलेगा, आगे यूज कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल से बनाने का तरीका बताऊंगा, अभी उसका थ्योरी कांसेप्ट बता दे रहा हूं। अगर यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन दिया रहे या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दिया रहे या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दिया रहे, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये तीनों में किसी का वैल्यू दिया रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं। तीन ये अलग अलग फॉर्म, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन एंड अमोनिया के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, किसी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लिया, अब ये प्रूफ करेंगे फिर कि आप ये जो लिखा ये आपका पूरे का कंक्लूजन ही है, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का ही कंक्लूजन आ गया कि रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे उसी को ही दिखाएगा आपका, ठीक है। और उसको हम प्रूफ कर देता हूं, देखिए कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में अब आप समझिए एक कंक्लूजन हो गया पूरे का। चलिए देखिए आप यहां पर लेते हैं एक रिएक्शन लिखा हुआ एग्जांपल में, कंसीडर ऑन ए रिएक्शन, कंसीडर ऑन ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन को आप कंसीडर करिए, माने कोई ऐसा रिएक्शन लीजिए जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का कोफिशिएंट सेम होता है। हाँ, जैसे रिएक्टेंट का ले लिया आपने यहां पर ए, ठीक है, ए लिया एंड प्रोडक्ट का लिया आपने बी, तो देखिए तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों में कोफिशिएंट कितना है, 1। अभी दोनों जगह सेम है, फिर अगला जो एग्जांपल लेंगे ना उसमें कोफिशिएंट चेंज कर देंगे, दोनों का डिफरेंट ले लेंगे। अभी इस पर देखिए आप, चलिए देखिए आप यहां पर देखिए ऐसे बता रहा हूं, एट टी इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कब, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 जब आपका टाइम कितना 0 है, मतलब आप रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया था, तो उसमें ए का जो कंसंट्रेशन है सपोज ए नॉट कर दिया, एंड अभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, इसलिए क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब आइए चेंज बाय रिएक्शन आफ्टर टी टाइम, टी टाइम, टी टाइम के बाद अब यहां देखिए चेंज बाय रिएक्शन, चेंज बाय रिएक्शन, अब यहां रिएक्शन में किस तरह से चेंज हो रहा है, तो इसका तो कंसंट्रेशन ए का घटेगा और बी का बढ़ेगा, तो जो चेंज होगा सपोज आप ऐसा करिए यहां पर कितना से इसका घटेगा ना, तो इसका चेंज हो गया -x, तो जितना ये चेंज हुआ मतलब जितना ये डिसअपीयर हुआ, जितना ये घटा उतना तो ये बनेगा,
नहीं समझ पाया। चलो फिर से देखते हो, ये जो चेंज बाय रिएक्शन लिखते हैं ना, ये क्या होता है, जैसे ये कोफिशिएंट के बेसिस पे लिखते हैं। अगर इस रिएक्शन में ऐसा समझिए, मान लिया 2a और यहां रहता है 3c, तो चेंज बाय रिएक्शन यहां पर क्या ये खर्च ना होगा, ये डिक्रीज ना करेगा कंसंट्रेशन, इसका इनिशियल था a नॉट, तो इसका तो कुछ खर्च होगा, तो कितना खर्च हो गया, x खर्च हो गया। यहां पर देखिए कितना मोल है 2, तो यहां पर कितना खर्च हो जाएगा इसका 2x, तो कितना पड़ेगा 3x। ये कोफिशिएंट को देखिएगा, a नॉट में कितना खर्च हो गया x मोल, यहां पर कितना था 1 मोल, तो x बन गया। उसी तरह से यहां देखिए कोफिशिएंट कितना है 2, तो कितना कितना ये खर्च होगा 2x, इसका प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 3 कितना पड़ेगा 3x। समझ में आ गया क्या लिखा है, ये x जो लिखा जाता है चेंज बाय रिएक्शन जो हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट के बेसिस पे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या कोफिशिएंट है उस पर आप लिखिएगा, ठीक है। इसी में बच्चे गलती करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, तो मान लीजिए आप यहां पर 80 हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टी टाइम क्या हो गया 80 हो गया, तो ये कंफर्म है, ये तो खर्च होगा ए माइनस एक्स, फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचेगा ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट जाएगा 80 कर रहे, और ये बी टी फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, बी टी ले लीजिए, एंड इस बी टी का वैल्यू भी जो होगा वो कितना हो गया, तो कितना बना है टी टाइम के बाद कितना बन गया इसका एक्स, इसका वैल्यू हो गया एक्स, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस of B, the rate of disappearance of B, rate of disappearance, rate of disappearance of B, rate of disappearance of B, अब इसको समझिए, तो देखिए rate of disappearance of B में कैसे लिखेगा, देखिए this is the change in concentration of B with respect to time delta t, ठीक है, देखिए rate of disappearance of B, तो क्या लिखेंगे, sorry rate of disappearance of A, normal change in concentration of A with respect to time। अब आइए अभी पहले वाला मत सोच रहे कि negative क्यों लगा, आगे वही proof करेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे rate of disappearance of B को लिख सकता हूँ ना, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए या सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए का कंसंट्रेशन में चेंज, द फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम कितना आ गया, ए टी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है ए नॉट, अब भाई टी और माइनस जीरो लिख सकते हैं, अब वैल्यू पुट कर दिए क्या हो गया ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट बाय टी, नहीं इसे एक बार आप क्या लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल हो गया माइनस एक्स बाय टी, क्या लिख सकते हैं, तब देखिए एक चीज जानिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, कभी भी रेट जो होता है ना नेगेटिव नहीं आता, यहां देखिए रेट क्या गया नेगेटिव में, हाँ क्या रेट का किसी भी रिएक्शन का रेट नेगेटिव में कभी भी नहीं होता, नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं, देखिए क्या बोलना चाहो समझेगा, जैसे मान लिया आप बाइक से जा रहे हैं, आप 40 किलोमीटर पर आवर के रेट से जा रहे हैं, आपका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, आपने ब्रेक लिया, हो सकता है ब्रेक लिया उसमें आपका स्पीड घटकर 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो पहले क्या जा रहे थे 40 किलोमीटर, अब क्या हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, तो ब्रेक लिया तो रेट आपका घटा, थोड़ी आप पीछे की ओर चढ़ाए, पीछे तो चलना ही शुरू कर देते हैं, मतलब रेट कभी भी जो होता है ना वो नेगेटिव ही होता है, बस वही रिएक्शन हो गया,
रिएक्शन जो रेट हो रहा था, तो रेट हो रहा था जिस रेट से हो रहा था, अब क्या रिएक्शन उसमें घट गया, उसका रेट घट गया, ना कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया, समझा। इसलिए रिएक्शन का रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो जब नेगेटिव नहीं होता, यहां नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या करें इसको, तो सबसे आसान तरीका नेगेटिव हटाने का क्या करें, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या करिए आप आगे में नेगेटिव लगा दीजिए, यहां पहले से नेगेटिव लगा दीजिए, तो देखिए तो यहां भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये भी नेगेटिव हो गया, क्या हो गया x by t, तो देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a क्या हो गया, रेट क्या हो गया x by t आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसलिए जब आप रेट लिखते थे किसका, रिएक्टेंट का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में वहां साइन क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। नेगेटिव लगाने का मीनिंग यही था कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट का जब आप रेट लिखेंगे तो उसके आगे नेगेटिव पुट किया जाता है, ताकि रेट को क्या बदल दे, पॉजिटिव में। क्लियर हो गया? उसी तरह से आइए प्रोडक्ट लिखिए। अब आइए रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी को लिख सकते हैं डेल्टा बी चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा बी। ये तो अपीयरेंस बनेगा, तो खुद ये तो पॉजिटिव पहले से रहेगा, तो ये तो फॉर्म करेगा ही, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आइए यहां पर देखिए, अब आप क्या लिख सकते हैं यहां पर चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी, कंसेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टी टाइम कितना था बी टी, एंड बी टी माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन जीरो बाय टी माइनस जीरो। फिर यहां पर आइए कंसेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम बी का कितना था एक्स माइनस जीरो बाय टी, कितना आ गया एक्स बाय टी। यहां भी देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कितना आ गया एक्स बाय टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या आ गया एक्स बाय टी। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन चाहे ए के रेस्पेक्ट में लिखें या बी के रेस्पेक्ट में लिखें, दोनों के रेस्पेक्ट में क्या सेम ही आएगा, तो इसको मैं लिख सकते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन का लिखेंगे तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और इसका वैल्यू कितना हो गया एक्स बाई टी, इसका जो वैल्यू था ये कितना हो गया एक्स बाई टी, दोनों का तो ही आया था, ये दोनों का जो वैल्यू आया ये क्या आ गया एक्स बाई टी। तो देखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप ए के रिस्पेक्ट में लिखे या बी के रिस्पेक्ट में लिखे, दोनों के रिस्पेक्ट में तो एक ही ना आना चाहिए, तो ए के रिस्पेक्ट में क्या पड़ेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। क्लियर हो गया? अब यहां कोएफिशिएंट चेंज करके बताएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पर इसको नोट करिए। तो ठीक है, अब इसको मिटाता हूं मैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, आप लोग फिर समझ लेंगे, सर मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूं, समझना आसान है। अब दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल सेकंड, ये फर्स्ट, अब सेकंड में देखिए मान लीजिए कोएफिशिएंट है 2a इसका 3b कर दिया, कोएफिशिएंट चेंज हो गया ना, अलग से नहीं देखा फिर समझिए। यहां कोएफिशिएंट 2 और इसका कोएफिशिएंट 3, देखिए कोएफिशिएंट चेंज हो गया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका a नॉट मान लीजिए और ये 0 हो गया। फिर आफ्टर टी टाइम देखिए क्या कितना कोएफिशिएंट है 2 है, तो रिएक्शन में जो चेंज होगा इसका जो कितने से कंसंट्रेशन a का घटेगा, तो यहां 2x हो जाएगा और ये कितना से बढ़ेगा 3x से। अभी पता है था कोएफिशिएंट पर चेंज बाय रिएक्शन लिखते हैं, जितना कोएफिशिएंट रहेगा उसके बेसिस पे इसको लिखिएगा, तो पता है फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम ए टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर तो यहां पर आप लिखेंगे ए टी का वैल्यू ए नॉट माइनस 2x।
तो ये कंफर्म है यहां पर कौन सा बड़ा हुआ a नॉट बड़ा हुआ कि 80 इसमें 80 ग्रेटर देन a नॉट क्यों a नॉट माइनस 2x इट मींस a नॉट यहां पर क्या है अधिक के बड़ा फॉर्म हो 80 का वैल्यू अधिक बोला जाएगा चलिए अब देखिए इसमें यहां पर bt का वैल्यू कितना हो गया 3x चलिए अब इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a उसको आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं ये कंसंट्रेशन ऑफ ए अब आई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए यहां पे माइनस मत लिखिए अब ये माइनस नहीं लिख रहा हूं है ना बाद में फिर प्रूफ कर देंगे माइनस आएगा कि नहीं चलिए देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम ए के रिस्पेक्ट में ठीक है तो यहां पर क्या ए टी माइनस ए नॉट कंसंट्रेशन क्या था ए टी का वैल्यू अब यहां पर पुट कर दीजिए एटी का वैल्यू पुट कर देते हैं देखिए देखिए 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहीं पर देखिए a नॉट माइनस 2x माइनस a नॉट का वैल्यू कितना हो गया ये इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट अब आई t माइनस 0 लिख सकते हैं नहीं तो कैंसिल हो गया क्या बच गया माइनस 2x बाई t फिर देखिए यहां पर रेट क्या क्या है नेगेटिव मान गया रेट नेगेटिव आ गया तो रेट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे नेगेटिव नहीं होता तो इसके आगे यहां पर आपने क्या पुट कर दिया नेगेटिव 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 ये भी नेगेटिव क्या हो गया 2x / p इसलिए देखिए फिर आगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a यहां पर साइन नेगेटिव आ गया क्यों क्योंकि रेट नेगेटिव में नहीं होता है तो नेगेटिव नहीं आता तो इसके लिए क्या नेगेटिव में आप पुट कर दिया तो अपने आप क्या हो गया पॉजिटिव में आ गया क्लियर है यहाँ टू एक्स बाई टी आ गया रेट ऑफ रिएक्शन उसी तरह से रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी तो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी में देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन बी टी माइनस जीरो टी माइनस जीरो तो कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टी टाइम कितना था 3x कितना हो गया ये 3x माइनस जीरो by p एक्सेप्ट है तो देखिए इसका कंसंट्रेशन क्या होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन में 3x by p तो देखिए तो क्या दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ एपीयरेंस माने a के रिस्पेक्ट में या b के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है नहीं आ रहा है अब आप खुद समझिए देखिए अभी पहले ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अभी बताएं इसमें क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है ध्यान दीजिएगा देखिए तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ये कितना आ गया आपका वैल्यू देखिए तो 2x / t ठीक है एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सॉरी इसके पहले जो आप आया था हाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए यस 2x / t और यहां पर देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कितना आ गया 3x / t ये ना चाहे आप रेट रेट ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में बोलिए या बी के रिस्पेक्ट में बोले रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के रिस्पेक्ट में सेम होना चाहिए है ना तो सेम होने के लिए क्या करिएगा आप खुद सोचिए ऐसा कर दीजिए यहां पर इसको ये 2 से नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहां पर नीचे 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा इसको आप क्या कर दीजिए कितना से 2 से डिवाइड कर दीजिए तब 2 से डिवाइड कर देंगे ध्यान लिख सकते हैं 1 by 2 हो जाएगा तो कितना x by t हो गया फिर यहां भी देखिए रेट ऑफ रिएक्शन तो दोनों के सेम करना होगा तो यहां पर क्या 3 से डिवाइड कर देते ये x by t हो गया मतलब यहां पर 1 by 3 देख रहे हैं हमको रेट ऑफ रिएक्शन चाहे a के रिस्पेक्ट में लिखें या b के रिस्पेक्ट में लिखें दोनों के रिस्पेक्ट में सेम आना चाहिए ना तो सेम आने के लिए क्या कर लीजिएगा अब यहां पर देखिए तो इसको क्या किए 1 by 2 से डिवाइड कर दिए तो 1 by 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या x by 3 आ जाएगा इसको क्या कि b के कंसंट्रेशन को 1 by 3 से डिवाइड कर दे तो 1 by 3 से कर दे तो क्या होगा x by 3 तब दोनों के रिस्पेक्ट में देखिए सेम आ गया इसलिए क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन आप इस तरह से लिखेंगे है ना लिखने का तरीका हो गया तब कंक्लूजन सुनिए a जी में बताया था शुरू में कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है अब इस रिएक्शन को देखिए फाइनल कंक्लूजन पता चल जाएगा इस रिएक्शन को देखिए यहां पर देखिए a का कितना कोएफिशिएंट है 2 बी का कितना कोफिशिएंट है 3 तो यही बोला था कि रिएक्शन में जितना कोफिशिएंट रहता है उसे डिवाइड कर दीजिए एक कंक्लूजन निकल गया आपका
क्या कंक्लूजन निकला, देखिए किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे उसका क्या मिलेगा, जैसे ए के रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या लिखेगा माइनस वन बाई टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, फिर यहाँ पर बी के रिस्पेक्ट में वन बाई थ्री रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, यही रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका होता है। कैसे आप देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो समझ में आ रहा है ये कि कोएफिशिएंट से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसलिए क्या किया गया कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया गया। और इसी को आपको जो शुरू में दो एग्जांपल बताया था इसी का यूज करके बताया था रेट ऑफ रिएक्शन में, नहीं तो एक रिएक्शन देखिए आप शुरू आ जाएंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए बताया था ना अभी आपका कि मान लिया को रिएक्शन आपका इस तरह से लिखा हुआ है, इसी के बेसिस पे बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से आगे फिर आपको रिलेशन भी मिलेगा। जैसे मान लिया हमें रेट देखना है इस रिएक्शन में आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे वन बाई ए है ना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे क्या पड़ेगा वन बाई ए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, बी के रेस्पेक्ट में क्या लिखेगा बी के रेस्पेक्ट में वन बाई बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या इसको क्या पढ़ेंगे पूरे को वन बाई बी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू वन बाई सी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या क्या पढ़ेंगे वन बाई सी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी वन बाई डी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो देखिए यही हो गया आपका कंक्लूजन, ये जनरल फॉर्म था किसी भी रिएक्शन का, ये जनरल फॉर्म होगा, उस जनरल फॉर्म को कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रूफ में लिखेंगे, तो यही इसमें प्रूफ किया था इस रिएक्शन से कि जो कोएफिशिएंट करता है वो क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, यहाँ जो कोएफिशिएंट था वही तो डिवाइड कर दिया था, इसे एक नेचर एग्जांपल में एक बताया था ये रिएक्शन एन टू थ्री एच टू टू एन एच थ्री, इसका रेट कैसे लिखेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन is equal to 1 by 3 rate of disappearance of hydrogen is equal to half rate of appearance of ammonia। तो ये clear हो जाना चाहिए कि rate of reaction हम कैसे लिखते हैं और कैसे निकाला वो ही बता दिया, और कैसे लिखेंगे rate of reaction ये भी बता दिया। अब इसके आगे जो आपको बताया था types of reaction कि कितने तरह का रिएक्शन होता है, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आगे न्यूमेरिकल्स बनाने, इसलिए पहले हमको ये बताना पड़ेगा। अब आगे आपकी जरूरत पड़ेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरह का होता है, कितने तरह का रेट ऑफ रिएक्शन को आप निकालेंगे, नहीं उसमें आपको सुने बताया था कि आपका एवरेज रेट होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है एंड इनिशियल रेट होता है। अब ये तीन रिएक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर 3 में टाइप्स ऑफ रिएक्शन से यूज करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है, रखे रहिए, ओके।